हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव, नाइस टू मीट यू इन द फर्स्ट मैथमेटिक्स क्लास। इन क्लास फाइव मैथ सिलेबस द फर्स्ट यूनिट बिलोंग्स टू नंबर सिस्टम एंड आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अलॉट अबाउट नंबर सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि नंबर सिस्टम के विषय में आप पहले पढ़े भी हैं और बहुत कुछ आपको आता भी है, बहुत कुछ जानकारी भी है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एन इवन नंबर, व्हाट इज एन ऑड नंबर, आप बता सकते हैं द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय टू लीव्स रिमाइंडर जीरो इज कॉल्ड एन इवन नंबर एंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय टू लीव्स रिमाइंडर वन इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ए एवन नंबर क्या होता है, जैसे आपसे एग्जांपल पूछे एवन नंबर का तो आप आराम से बता सकते हैं लाइक टू फोर सिक्स एट एंड सो ऑन। ऑड नंबर का भी एग्जांपल पूछेगा तो आप बता सकते हैं थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड सो ऑन। इसी तरह से होल नंबर और नेचुरल नंबर भी होता है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन इज कॉल्ड नेचुरल। एक से शुरू करके काउंटिंग के जितने भी इनफिनाइट, कोई लिमिट नहीं है, नंबर्स होते हैं सबको नेचुरल नंबर कहते हैं। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट करके आगे जितने भी नंबर होते हैं उनको होल नंबर कहते हैं। ये सारी बात आप जानते हैं, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी हैं लेकिन जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सारी बात आप पढ़े हुए हैं। इस एक्सरसाइज में एक न्यूमरल्स के विषय में हम बता रहे जो आप जानते हैं। व्हाट इज अ न्यूमरल, न्यूमरल द सिंबल्स ऑफ राइटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। सिंबल्स है, न्यूमरल्स सिंबल्स है। जैसे किसी भी नंबर को लिखने के लिए आप कुछ डिजिट्स का प्रयोग करते हैं, सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, वो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। देख रहे हैं ना, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। इन्हीं को मिलाकर के, इन्हीं के हेल्प से आप कोई भी नंबर लिख सकते। जैसे फोर, आपको फोर लिखना है तो इसी फोर से लिखना है। फोर्टी वन लिखना है तो फोर और वन से लिखना है। फिफ्टी फाइव, फिफ्टी सिक्स लिखना है तो फाइव और सिक्स से लिखना है। चाहे स्मॉल नंबर हो या लार्ज नंबर हो, जो भी लिखा जाता है ये सिंबल्स हैं, समझ रहे हैं ना, ये सिंबल्स हैं। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, न्यूमरल्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेरल्स कहते हैं। ये नंबर लिखने के लिए जिस सिंबल्स का यूज होता है उसे हम न्यूमेरल्स कहते हैं। ये सिंबल्स इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल हिंदी में लिखने के लिए अलग अलग सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे जीरो तो यही होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार है, पांच है, छ है, सात है, आठ और नौ, इस तरह से या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये भी सिंबल है। रोमन में आप चलिए तो देखिए, जीरो के लिए तो सब में एक ही है, एक दो के लिए ऐसे सिंबल है, तीन के लिए ऐसे सिंबल है, चार के लिए ऐसे है, पांच के लिए ऐसे सिंबल है, छह के लिए ये सिंबल का, सात के लिए ये सिंबल का, आठ के लिए ये सिंबल का, नौ के लिए देखिए ये सिंबल का, और इसी तरह से और है। तो देखिए अलग अलग सिंबल्स है, समझ रहे ना, अलग अलग तरीका से हम संख्या लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं। तो नंबर लिखने के लिए जो सिंबल्स होता है उन्हीं को न्यूमरल्स कहते हैं। और खास करके प्रेजेंट इंडो अरबिक या इंडो सिस्टम में जो नंबर लिखा जाता है उनमें ये डिजिट्स भी होता है, इन्हीं को डिजिट्स भी कहते हैं। ये आपका डिजिट्स हैं, इनकी सहायता से बहुत सारे नंबर्स को हम लिखते हैं। अब इसमें
इसमें बेसिकली है कि काउंटिंग सिस्टम को हमको देखना है। आप जूनियर सेक्शन से ही पढ़ते आए हैं कि काउंटिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं, जैसे ये चार्ट बना कर करके, देखिए ये चार्ट बना दिया गया, तो पहले छोटा चार्ट यूज करते हैं जिसमें वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर हंड्रेड्स होता है, फिर थाउजेंड होता है, फिर 10,000 होता है। अभी हम इतना ही देते हैं। अब मान लिया कि कोई नंबर आपको लिखना है 56,439। ये नंबर देखिए ए, इसको क्या करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, यानी 56,439। अब हर एक डिजिट को हम प्लेस करेंगे यहां पर, देखिए तो ए 5,000, ये 10,000 है, यानी 10,000, 5 × 10,000 बराबर 50,000। ए 1,000 है, यानी 6 × 1,000, 6,000, 4 × 100 बराबर 400, 3 × 10 30, और 9 × 1 बराबर 9। तो इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। 10,000 जब आता है काउंटिंग में, तो 10,000 में दो डिजिट काउंट करते हैं, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, यानी यहां पर हम 56,000 जोड़ेंगे, 56,439। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, थाउजेंड 439, ऐसे लिख सकते हैं, यानी 56,439। तो इस तरह से आपको नंबर को डिजिट, ये नंबर है न्यूमरल से बना है, इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं, ये 5 डिजिट्स से नंबर बना हुआ है, और इसको हम काउंट कर करके नंबर, इस नंबर का नाम कैसे लिखेंगे या इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे 56,439। तो ये एक्सरसाइज जो आपको मिलेगा इसमें यही आपको मिलेगा। आगे चल कर करके एक चीज और आपको देखना है, इसी सेक्शन में स्टॉप कीजिए भाई, इसी एक्सरसाइज में, इसको आप पहले भी पढ़ा होगा, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू दूसरा होता है और फेस वैल्यू दूसरा होता है, लेकिन जब कोई न्यूमेरल या जब कोई डिजिट वंस प्लेस पर होता है तो उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही होता है। अब आप इस सिस्टम से प्लेस वैल्यू क्या है आप समझ जाएंगे। मान लिया कि आपने लिखा 569। अब आप काउंट करेंगे या इसको ऐसे समझेंगे, 100, 10, 1, 569। यहां 9 वंस प्लेस पर है, तो 9 का प्लेस वैल्यू होगा 9 × 1 = 9। 6 टेंस पर है, तो टेंस का मतलब होता है कि 6 × 10 बराबर 60। और ये 500 प्लेस पर है, यानी 5 × 100 = 500, यानी 5 का प्लेस वैल्यू 5 × 100 500 है।
सिक्स का प्लेस वैल्यू 6 × 260 है और नाइन का प्लेस वैल्यू 9 × 1 9 है। फाइव का फेस वैल्यू तो 5 ही होता है, सिक्स का फेस वैल्यू 6 है और नाइन का फेस वैल्यू 9 है, लेकिन फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वंस प्लेस पर नहीं रहने पर चेंज होता है। तो ये है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू चार्ट भी आप बना सकते हैं। पहले 10,000 तक नंबर का दिया हुआ, जैसे ये देखिए ये नंबर है वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड टेन थाउजेंड। मैं बताता हूं जब 10,000 आता है, 10,000 का काउंटिंग में देखिए कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट्स का मतलब 10,000। और जब भी होगा तो फर्स्ट 2 डिजिट को एक साथ हम लेंगे, जैसे 57,962 57,962। तो अब इसको प्लेस करेंगे तो देखिए वंस वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड टेन थाउजेंड। टेन थाउजेंड पर क्या आया है, 5 आया है। 10,000 मीन्स 5 10,000, तो 5 × अब इसके राइट साइड में देखिए जितने कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 1 and 3 0 4 डिजिट्स, यानी 1 के बाद 4 डिजिट्स 4 0 देंगे, ये हो गया आपको 50,000। और फिर 7,000 देखिए, 1,000 के जगह वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड जगह केवल 7 आया, मतलब कि 7 × 7 के 1 देंगे और उसके बाद देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 देंगे, यानी 7,000। हंड्रेड 9 आया है तो 9 × 100 बराबर इक्वल टू 900। 6 × 10 इक्वल टू 60 और 2 × 1 इक्वल टू 2। तो इस तरह से 57,962 ऐसे भी लिखने के लिए आपको आता है। इसी चीज को मैं बहुत कुछ नंबर को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखने के लिए आता है, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, जिसको मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूं, आप खुद से उसको मना लेंगे। इसके साथ साथ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाउस, जैसा कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हूं कि डिजिट से या न्यूमरल से ही नंबर्स बनते हैं। आपको कई डिजिट्स दिया हुआ रहे, कई न्यूमरल्स दिया हुआ रहेगा और उससे नंबर्स बनाने हैं, तो एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं, देख लीजिए ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं, ये 4 डिजिट्स हैं अलग अलग 8 3 9 6, इससे आप बहुत सारे नंबर फॉर्म कर सकते हैं। इसमें डिजिट्स को रिप्लेस कर करके डिजिट्स का प्लेसिंग जो होगा सो चेंज कर करके सीक्वेंस चेंज कर करके आपको बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो चलिए मैं बनाता हूं इससे नंबर। पहला नंबर तो होगा 8396 यानी 8396, दूसरा होगा 8936, तीसरा होगा 8963। अब 3 ऐसे बन गए, अब चलिए अब 3 को लेते हैं 1000 प्लेस पर, 3869। अब चलिए और बनेगा इसको और बहुत सारा बन जाएगा 8900, ये तो बनी जा बहुत सारा बन सकता है, फिर 3698, यानी बहुत सारे आप इन्हीं सभी डिजिट से बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। इससे स्मॉलेस्ट नंबर भी बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर भी बना सकते हैं। यदि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो ये स्मॉलेस्ट नंबर इसी को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा आपको और ये स्मॉलेस्ट बन जाएगा। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है तो ये बन जाएगा
89, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाना होगा तो 983 ये ग्रेटेस्ट नंबर इससे बनेगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। एक्सरसाइज वन में इतना ही आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज वन का फोटो खींच करके स्कैन करके मैं आप लोग को भेज रहा हूँ और आप लोग बनाएंगे। जो नहीं बनेगा वो जब क्लास खुलेगा तो क्लियर करेंगे। इसके अतिरिक्त क्लास सिक्स का भी वीडियो मैं भेजा हूँ। क्लास सिक्स का वीडियो आप देखेंगे तो ये सारा एक्सरसाइज वन से लेकर के एक्सरसाइज टू आपका है क्लियर हो जाएगा। तो आवश्यकता पड़ने पर क्लास सिक्स का भी वीडियो आप देख कर करके एक्सरसाइज वन बना सकते हैं। अब फोटो खींच लाइए खाना।